हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप अपने घर में सेफ होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप ये जो मेरे पीसी में देख रहे हैं 3D टेस्ट, ये आखिर बनता कैसे है? आखिर ये क्रिएट किया जाता है तो अपने कंप्यूटर में हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इस बात को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। उम्मीद है आप बहुत आसानी से इसको सीख जाएंगे। ये बहुत ही आसान है, एकदम एकदम मतलब लो लेवल का जो स्टूडेंट है वो भी सीख जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ इस प्रकार बताऊंगा। पहले आपको पर्सनलाइज ओपन कर लेना है, रिफ्रेस जहां से गए थे वहां से। उसके बाद पर्सनलाइज में जाएंगे। पर्सनलाइज में जाने के बाद हम लोग वॉलपेपर चेंज कर लेंगे कुछ जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद उसके नीचे जस्ट देख रहे हैं, फिर यहाँ पर से कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग साउंड भी कुछ कर सकते हैं, साउंड भी कुछ चेंज कर सकते हैं, पर अभी करना नहीं है तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्क्रीन सेवर में। स्क्रीन सेवर में जाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे खुल गया स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर नन में होगा तो उसको 3D टेक्स्ट में कर देंगे। 3D टेक्स्ट करने के बाद प्रीव्यू में जाएंगे, देखेंगे आपका आपका जो नाम प्रीव्यू होगा वो। उसके बाद आप इसको सुधारना चाहते हैं, फिर नाम कुछ अलग रखना चाहते हैं अपना, वहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद अपना जो यहाँ पे लिखे थे अपना नाम उसको बैक स्पेस हटा देंगे। फिर जो भी आप नाम रखना चाहते हैं सोच के रखिए। अच्छा चलिए अमित रख लेते हैं, अमित राज। अमित राज फिर चूज फॉन्ट, फॉन्ट चूज करेंगे। फॉन्ट चूज करने के बाद हम लोग फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे। फॉन्ट स्टाइल बोल्ड इटैलिक रखेंगे फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट। उसके बाद ओके। स्पिन मीन्स आप 3D टेक्स्ट कैसे घुमाना चाहते हैं, रोटेट टाइप। स्पिन तो पहले से था, सीसॉ कर लेंगे। इसको बढ़ा घटा सकते हैं, रोटेशन स्पीड कितना स्पीड से आपका रोटेट होगा 3D। ये साइज है। रेवोल्यूशन मीन्स कैसा दिखेगा, ओके करेंगे। सॉलिड कलर में टेक्सचर, कस्टम टेक्सचर, चूज टेक्सचर, अभी ये सब नहीं करते हैं, ओके। फिर प्रीव्यू कर लेंगे इसको। यस, कितना अच्छा लग रहा है देखने में अमित राज। देखिए टाइम जो घटाए तो धीरे धीरे वो दिख रहा है। 3D टेक्स्ट हम लोग का तैयार है। तो कैसी रही आपके लिए वीडियो, आसान थी ना या फिर आपको हार्ड लगी, ये बात आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी गड़बड़ दिख रही है, मीन्स मैं बोलने में थोड़ा लेट हो जा रहा हूँ, या फिर आप अपना फीडबैक इस वीडियो के लिए आप अपना फीडबैक देख सकते हैं कमेंट में।